नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सभी जानते हैं कि आज सीफू द्वारा ईसीजी टेक्नीशियन की जो अंतिम चयन सूची है वो जारी कर दी गई। अभी जो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं वो अपनी प्रोविजनल सूची का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो प्रोविजन सूची है वो कब तक जारी हो सकती है, सभी की हम इस वीडियो में बात करने वाले। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देख सकते हैं आप, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 ईसीजी कैडर की अंतिम चयन सूची जारी। चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर अन्य कैडर की प्रक्रिया भी तेज। तो देख लेते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 3 कैडर की जो अंतिम चयन सूची है वो जारी हो चुकी है। नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 ईसीजी कैडर की अंतिम चयन सूची जारी। चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर अन्य कैडर की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। जयपुर 6 मार्च चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह के निर्देशों के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 20,500 से अधिक पदों पर नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 का काम अभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ संपादित किया जा रहा है। दंत टेक्नीशियन एवं नेत्र सहायक के बाद अब विभाग ने बुधवार को ईसीजी टेक्नीशियन के 156 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो चिकित्सा विभाग की भर्तियां हैं उनको लेकर प्रक्रिया लगातार जारी है और चिकित्सा मंत्री के निर्देशों के बाद जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज़ गति से चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही लगभग आज की जो ईसीजी टेक्नीशियन की सूची को हम मिला ले तो 3 कैडर की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, संभावना पूरी है कि जो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी उनकी भी जो प्रोविजनल सूची है जल्द जारी होने वाली है। पहले पूरी अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों, चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती के काम को गति दे रहा है। आज ईसीजी कैडर की अंतिम चयन सूची जारी की गई है। इस सूची में 23 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आज जो ईसीजी टेक्नीशियन की जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की उसमें 23 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका। उनमें से 2 प्रकरण तो अन्य राज्यों के थे और बाकी जो 21 प्रकरण है वो हाईकोर्ट के अंदर लंबित है। तो इनकी अंतिम चयन सूची है वो दस्तावेज सत्यापन के बाद जारी कर दी जाएगी। आगे अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि चिकित्सा मंत्री ने प्रक्रियाधीन भर्तियों की अंतिम चयन सूचियां शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके पालना में विभाग में प्रक्रियाधीन 8 कैडरों की भर्ती में से 3 कैडर की अंतिम चयन सूची जारी की जा चुकी है। शेष कैडर की सूचियां भी चरणबद्ध रूप से जारी करने के लिए कार्य प्रस्तावित है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थी हैं उन्होंने काफ़ी संघर्ष और अपनी मेहनत से जो चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां हैं उनको पूरी करवाने के लिए सरकार को जो फोर्स डाला ताकि जो ये भर्तियां हैं वो पूरी हो सके। तो दोस्तों, जो चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थियों ने मेहनत की, संघर्ष किया, तो उसका फलस्वरूप है कि जो 3 कैडर की अंतिम चयन सूची है वो जारी कर दी गई है। अब जो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं वो अपनी प्रोविजनल सूची का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 2023 से ये भर्ती निकली है जो चिकित्सा विभाग की भर्ती, और जो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी उनकी तो भर्ती को काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी साल बीत चुके हैं इनकी भर्तियों को लेकर। अभी जो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं वो प्रोविजनल सूची का इंतजार कर रहे हैं। श्रीमती सिंह ने बताया कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती के तहत जो फार्मासिस्ट कैडर की अंतिम चयन सूची जारी करने के लिए अन्य राज्यों से तथा निजी संस्थानों से प्रोफेशनल योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच के काम का दायित्व औषधि नियंत्रक प्रथम को सौंपा गया है। उन्होंने इस कार्य के लिए 20 टीमों का गठन कर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उल्लेखनीय है कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल की इस बहुप्रतीक्षित भर्ती को काम को गति मिलने से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा भी मजबूत हो सकेगा। तो दोस्तों, जो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनकी भी जो डिग्री डिप्लोमा की जांच चल रही है, 20 टीमों का गठन हो चुका है। तो आप भी जो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ हैं वो उनकी जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज़ी से चल रही है। अभी पिछले
कुछ समय पहले तो भर्तियों की जो चयन सूची जारी होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो चिकित्सा अभ्यर्थियों का संघर्ष और जो आंदोलन किए और जो सरकार है उनको जो चयन सूचियां जारी करनी पड़ी और जो प्रक्रिया है उसको तेज करनी पड़ी है, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको जल्द से जल्द रोज़गार मिल सके और राजस्थान की जो नर्सिंग पैरामेडिकल की भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो दोस्तों, बाकी कैडर की जो वरीयता सूची है, अंतिम चयन सूची है, वो जल्द जारी होगी। जो छोटे कैडर है उनकी अंतिम चयन सूची जारी हो रही है, साथ ही जो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनकी भी प्रोविजनल सूची जल्द जारी होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हम आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।